पौड़ी के जीवे पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती के अवसर पर कॉलेज के स्टाफ की मौजूदगी न होने पर नियम ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे ने बताया कि इस कॉलेज का नाम पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम से ही रखा गया है और उनकी जयंती पर कॉलेज का स्टाफ मौजूद नहीं है, जिस पर कॉलेज के निदेशक को निर्देशित किया गया कि स्टाफ की गैर मौजूदगी में सभी लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके साथ ही पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने इस विषय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस महान व्यक्ति की जयंती के अवसर पर कॉलेज के ही लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में गैर मौजूद रहे कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। पौड़ी से मुकेश पच्छेती की रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में हमने अपेक्षा किया था कि जो हमारे कैंपस है, क्योंकि ये संस्थान गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से ही इस कैंपस को जाना जाता है, तो हमारी अपेक्षा थी कि यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में जो वहाँ के कार्मिक हैं, यहाँ के जो प्राचार्य हैं या फिर जो अन्य स्टाफ है, उनका उपस्थिति आवश्यक होती है। उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, इसके बारे में मैंने उनसे पूछताछ की। जिस कैंपस में ये मूर्ति लगी हुई है उनकी तरफ से निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा ढिलाई बरती गई है कि उनकी तरफ से उपस्थिति रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। आगे मैं समझता हूँ कि इन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि हमारे कैंपस में इतने महान पुरुष की जो मूर्ति लगी हुई है, अगर उसके जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।